क्या किया जाएगा? तो 14 तारीख में आप जानते हैं कि 14 तारीख 4 बजे के बाद कोई भी प्रकार का कैंपेनिंग नहीं हो सकता, कोई भी लाउड स्पीकर का यूज नहीं हो सकता, कोई बैनर या फ्लैग या कोई सिंबल लेके प्रचार नहीं हो सकता। तो ये सभी प्रकार का प्रचार 14 तारीख को 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा और 14 तारीख को 4 बजे के बाद जो बाहर के व्यक्ति है, जो हम चेकिंग कल से शुरू करेंगे, तो उनको 14 तारीख 4 बजे से पहले उनको असेंबली एरिया जिसमें उनका वोटर नाम नहीं है उनको छोड़ना पड़ेगा। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जो लीडर्स स्टेट के प्रभारी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी के कोई प्रभारी है, उनको उनके पार्टी ने इस राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन उन्हें उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस या जहां पे रुके हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इस राज्य के प्रभारी हैं और हमें इस पार्टी ने नियुक्त किया है इस चुनाव के लिए और हम यहाँ पे रुके हैं, तो वो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और 14 तारीख को 5 से ज्यादा लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन आएगी, जिसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी कैंपेन नहीं होगा। फिर उसके बाद जो पोलिंग डे है 16 तारीख, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि 15 तारीख और 16 तारीख हमारे स्टेट में ड्राई डे डिक्लेयर हुआ है, ड्राई डे डिक्लेयर हुआ है। अभी हम जो लिकर की जो स्टॉक है हम उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कितने कितने स्टॉक है और क्या क्या सेल हो रहा है, उसके ऊपर हम डेली ध्यान दे रहे हैं। 15 और 16 तारीख 2 दिन ड्राई डे है। 16 तारीख को छुट्टी घोषित की है राज्य सरकार ने और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी छुट्टी रहेगी, वो जाके सभी लोग जाके अपना मतदान कर सकते हैं। पोलिंग डे के दिन जो कैंडिडेट है उनको 3 गाड़ियां अलाउ होती है, वो खुद एक गाड़ी रख सकते हैं, इलेक्शन एजेंट एक गाड़ी रह सकते हैं और उनके जो फॉलोअर्स है वो एक गाड़ी रख सकते हैं। 3 गाड़ी अलाउ होती है, एक गाड़ी में वो 5 लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन वो उनका घूमने के लिए है, वोटर्स का कोई भी गाड़ी से वोटर्स को ला नहीं सकता। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में वो गुना है, कोई भी वोटर के लिए गाड़ी अरेंज नहीं कर सकता। हम इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, खुद का गाड़ी है, वो यूज कर सकते हैं 200 मीटर के बाउंड्री तक। चुनाव के दिन या काउंटिंग के दिन कोई भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता स्टेट में, कोई भी लीडर्स बाहर के आ नहीं सकते, चुनाव के दिन नहीं आ सकते और काउंटिंग के दिन नहीं आ सकते, इसके ऊपर भी बंधन है। 200 मीटर के अंदर मोबाइल फोन या वोटर छोड़ के और किसी में एंट्री नहीं है। वोटर स्लिप जो पॉलिटिकल पार्टी देंगी वो बाहर एक बूथ लगा सकते हैं 200 मीटर के बाहर, वहां पे एक टेबल 2 चेयर, कोई शामियाना नहीं, टेंट नहीं, छाता लगा सकते और छोटा 3 फीट बाय 1.5 फीट का बैनर लगा सकते, ये 200 मीटर के बाहर होगा और वहां प्लेन पेपर पे वो वोटर के लिए स्लिप दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो 100% वोटर स्लिप दी है और कुछ स्लिप अगर किसी को नहीं मिली, अगर कोई घर पे नहीं मिला तो हम वो स्लिप, हमारा भी वहां पे वोटर असिस्टेंट बूथ होता है जहां पे बीएलओ बैठता है, तो वो जो बची हुई स्लिप है जो पहले दी नहीं गई वहां पे दे देगा। या आपका अगर नाम आपको पता नहीं कि कौन से सीरियल में है आपको नाम भी बता देगा बीएलओ, उसके पास अल्फाबेटिकल लिस्ट है इंग्लिश अल्फाबेट में, ABCD वाइज वो लिस्ट वहां पे रहेगी। लेकिन बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के है वो उस बूथ पे नहीं बैठ सकते, सिर्फ आपको वहां पे बीएलओ मिलेगा। तो इसके ये हो गए 3 जो मैंने बताया, 72 आवर्स, 42 आवर्स और पोलिंग डे में जो मेन मेन मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिए, आप इसको अपने तरीके से इसको पब्लिश करिए। इसके साथ ही जो